हेलो स्टूडेंट्स, हाँ गया हूँ अपनी नई क्लास लेकर। आज मैं आपको टेंस ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। टेंस ट्रांसलेशन इसके कई सारे वीडियो लेक्चर आपको पहले भी मिल चुके हैं। आज की क्लास जो मेरी है ये फ्यूचर परफेक्ट पे आधारित है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट परफेक्ट की तरह ही थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है आपके सामने, थोड़ी सी आपके सामने परेशानी लेकर खड़ी होता है, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में ही बनकर आता है। तो आपको यहाँ पे आज आपकी वो परेशानी, वो दिक्कत मैं एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा, और आज के बाद आपको कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखकर डर नहीं लगेगा। आप उस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली कर डालेंगे। बस इसके लिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया, वीडियो को आपने छोड़ दिया, तो आप कोई भी रूल, कोई भी चीज आप समझ नहीं पाएंगे। और ज्यादा देर न करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते अपनी क्लास की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वे टेंस होते हैं जिसमें सेंटेंस पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि जो उसमें हो रहा कार्य है वो एक निर्धारित समय पर पूरा हो गया है, और सेंटेंस के आखिरी में चुकेगी या फिर चुका होगी। ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि जो इसमें कार्य हो रहा था वो एक निर्धारित समय पे, एक निश्चित समय अंतराल पे वो कार्य पूरा कर दिया गया है, और सेंटेंस में अब कोई कार्य शेष नहीं, कार्य पूरा हो गया। तो सेंटेंस के लास्ट में यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसी सेंटेंस का आज हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके रूलों को देखते हैं हम लोग। तो ट्रांसलेशन के रूल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट अगर देखेंगे ना प्रोनाउन है, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अर्थात आई या वी है। तो आई और वी के साथ हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। क्लियर। आई वी के साथ शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी सेकंड और थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है, यानी वी है, यू है, दे है, ही शी इट है, इन सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, और उसके बाद इन सब के बाद हम लोग हैव का यूज कर देंगे। यानी कि जो उसमें आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें हैज हैव दोनों लगाया जाता है, लेकिन इसमें शैल और विल के साथ हैव का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे शैल लगाए चाहे विल लगाए, उसके साथ आपको हैव लगाना है, और हैव के बाद आप लोगों को वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज, और थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड को लिखते हैं। यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का यूज करना है, फिर शैल के बाद हम लोग लगा देंगे हैव के बाद हम लोग यूज कर देंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद हम लगा देंगे इसमें जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि आ रहा है तो हम लोग अदर वर्ड का यूज कर देंगे। क्लियर। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यूज करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसे एक सेंटेंस में ले लेता हूं कि मैं रोटी खा चुकूंगा, मैं रोटी खा चुकूंगा, तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो यहां हम लोग शैल का यूज कर देंगे, आई शैल, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव का यूज करना, तो हैव यूज कर देंगे, आई शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि ईटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द ब्रेड। क्लियर। हम लोग इस प्रकार के रूल का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं और कुछ और ट्रांसलेशन करके देखते हैं इसका कैसे सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले सेंटेंस को लेते हैं। सेंटेंस जैसे आप जानते हैं कि सेंटेंस हम लोग किसी भी टेंस के सेंटेंस में चार प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है ये हम सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगा देंगे विल या शैल। जो अभी इसके पहले वाली स्लाइड में स्ट्रक्चर लिखा था वो अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर यहाँ यूज होगा। इसके बाद हम लोगों को हैव का यूज करना, हैव के साथ वर्ब जो लगानी है
ये थर्ड फॉर्म में लगा देनी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अगर अदर वर्ड है तो उसे यूज कर देना है। क्लियर? तो एग्जांपल लेके देखते हैं। और हम तो यहां पे है कि मैं अपना काम कर चुकूंगा, तो आई शैल हैव डन माई वर्क। क्लियर? तो यहां देखिए कुछ एग्जांपल लिया, नहीं कल्लू दूध पी चुकेगा, कल्लू विल हैव ड्रंक मिल्क, अगले मंगलवार तक मैं इसे कर चुकूंगा, आई शैल हैव डन इट बाय नेक्स्ट ट्यूजडे। तो ये सेंटेंस तो कुछ नॉर्मल सेंटेंस थे, जो नॉर्मल सेंटेंस जिसका ट्रांसलेट हम लोग सीख रहे हैं, और इसको आप आराम से इस तरीके का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है, मैंने पास्ट परफेक्ट में भी बताया था कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कुछ मिश्रित वाक्य होते हैं, तो ऐसे इस सेंटेंस में भी कुछ मिश्रित वाक्य होते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अगली स्लाइड में बताता हूं कि वो मिश्रित वाक्य को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा, वो मिश्रित वाक्य अगर आप सामने आते हैं तो कैसे आप उसे लिखेंगे। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, खाना खाने से पहले वह स्नान कर चुकेगा। देखिए हम मिश्रित वाक्य है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, खाना खाने और स्नान करना, ये दो वाक्य जोड़े गए हैं, दो वाक्य को जोड़कर ही एक सेंटेंस बनाया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी आप ट्रांसलेट कीजिए, तो आप जैसे आपको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था, पास्ट परफेक्ट को अगर आपने देखा नहीं होगा तो ऊपर आई बटन पर लिंक वहां जाके देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में जैसे मैंने बताया था कि पहले और बाद, इन दो शब्दों को आपको ध्यान रखना होता है, पहले और बाद। जिन्होंने वो वीडियो आपको देख रखा होगा उसमें आपको उनको दिमाग में आ गया होगा कि दो टेंस का यूज करना है, दो टेंस उसमें क्या कौन सी यूज कराई थी, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो यार फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट के चक्कर में मतलब फंसेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहां यूज ही नहीं होगी। अगर पहले शब्द आ रहा है तो पहले हुआ कार्य पहले लिखेंगे और बाद में हुआ कार्य हम लोग बाद में लिखेंगे, और पहले हुआ कार्य जो होगा वो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और बाद में हुआ कार्य हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे। क्लियर? पहले हुआ कार्य पहले लिखेंगे, यानी कि अगर दो इस सेंटेंस में, तो यहां देखिए कि इसका मैंने रूल लिख दिया है कि इस प्रकार के सेंटेंस में पहले हुए कार्य को फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, जबकि बाद में हुए कार्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए कि खाना खाने से पहले वो स्नान कर चुकेगा, अर्थात वो स्नान कर चुकेगा, ये कार्य पहले हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, ही विल हैव बाथ, और फिर पहले शब्द आया तो बिफोर लगाएंगे हम लोग, बिफोर खाना खाने से पहले ही ईट्स, ठीक, बिफोर ही ईट्स। अर्थात अगर पहले शब्द सेंटेंस में आ रहा है हमारे सामने, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, और इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि पहले शब्द आया है तो पहले हुआ कार्य पहले लिखेंगे, बाद में हुआ कार्य बाद में लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको एकदम तो क्लियर से बता रखा है कि पहले शब्द आने पर पहले हुआ कार्य पहले लिखा जाता है, बाद में हुआ कार्य बाद में लिखा जाता है, और बाद शब्द आने पर बाद में हुआ कार्य पहले लिखा जाता है, बाद शब्द आने पे बाद में हुआ कार्य पहले लिखा जाता है। अर्थात पहले हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बाद में फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का, यानी कि जो अगर बाद शब्द आया है तो फ्यूचर परफेक्ट हमारा बाद में चला जाएगा, और बाद शब्द आने पे बाद में हुआ कार्य पहले लिखा जाएगा। क्लियर बताऊं कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और इसकी एग्जांपल लेता हूं जिससे और अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां देखिए कुछ एग्जांपल लिया मैंने कि उसके आने से पहले मैं जा चुकूंगा, अर्थात पहले शब्द आया है तो पहले हुआ कार्य पहले लिखेंगे, यानी कि मैं जा चुकूंगा, तो यहां हो जाएगा आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुकूंगा पहले, बिफोर, अब बाद में उनका उसके आना, उसका आना तो बिफोर, यानी कि ही कम्स। क्लियर? कि उसके आने से पहले मैं जा चुकूंगा, पिताजी के आने के बाद तुम पत्र लिख चुकोगे, यानी बाद में हुआ कार्य पहले लिखना है, अर्थात तुम पत्र लिख चुकोगे, तो यू राइट द लेटर। अब बाद शब्द लगाएंगे आफ्टर
अब पिताजी का आना यानी फादर विल हैव कम, क्लियर। पिताजी के आने के बाद तुम पत्र लिख चुकोगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, यानी पहले सब लिखा था, पहले हुआ कार्य, पहले लिखेंगे रोगी मर चुका होगा। तो यहां पर द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर, अब डॉक्टर का आना था, द डॉक्टर कम्स, क्लियर। पानी पीने के बाद वो सो चुका होगा, पानी पीने के बाद वो सो चुका होगा, अर्थात बाद में हुआ कार्य पहले करना है, तो ये वह सो चुका होगा, तो ही फॉल अस्लीप अबाउट आफ्टर ही विल हैव ड्रंक वाटर, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसा नॉर्मल सा है कि विल या शैल के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है और वहां पर आपको निगेटिव उसके बाद नॉट यूज करके फिर उसके बाद हैव लगा लीजिए, नॉट के बाद हैव लगाइए और बाकी जैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वैसा उसको ट्रांसलेट कीजिए, सेंटेंस आराम से निगेटिव बन जाएगा। लेकिन क्या होगा तब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने आ जाए, जब जो मिश्रित वाक्य आता है तब अगर उसको ट्रांसलेट करना अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको चलिए सीख लेते हैं। कि जैसे कहा गया कि डॉक्टर के आने से पहले, तो आप इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें आप देखिए कि मैंने क्या बताया कि पहले शब्द अगर लिखा है तो पहले हुआ कार्य हम लोग पहले लिखेंगे और बाद में हुआ कार्य बाद में लिखेंगे। तो पहले शब्द लिखा है अर्थात हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट को ही पहले लिखना है। तो जैसे पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस आप पहले लिख रहे हैं उसी के साथ आप निगेटिव बना सकते हैं, उसी को आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो आप यहां पे पहले लिखा हुआ है अर्थात आप फ्यूचर परफेक्ट को पहले लिखेंगे और फ्यूचर परफेक्ट को जब पहले लिखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट वाला ही निगेटिव में बनाया जाएगा, यानी रोगी नहीं मर चुकेगा। तो यहां लिखेंगे द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर, अब क्या इसको भी करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में निगेटिव में कि मतलब सेकंड वाला सेंटेंस भी नहीं, सेकंड वाला सेंटेंस आप लोग जैसा है वैसा लिखेंगे। बिफोर यहां लिखेंगे द डॉक्टर कम्स, क्लियर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा कि जो सबसे पहले सेंटेंस आप लिख रहे हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट लिख रहे हो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे हो उसी के साथ आप निगेटिव बनाइए, उसी को आप इंट्रोगेटिव बनाइए उसी का रूल यूज करके, यानी कि पहले लिखा अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपने फ्यूचर का ही रूल यूज करके और फ्यूचर परफेक्ट का ही रूल यूज करके उसे निगेटिव बनाया, वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल यूज करेंगे और उसी को निगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस में अगर पहले लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल यूज कीजिए तभी उसे निगेटिव बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है कि डू नॉट या डज नॉट, तो डू नॉट डज नॉट का ही यूज कीजिए, बाद के सेंटेंस का निगेटिव नहीं बनता, कोई बात नहीं उसको वो जैसा है वैसा रहने दीजिए। तो एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं आपके लिए जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहां देखिए एक सेंटेंस लिया हमने कि वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहला स्ट्रक्चर क्या करते हैं आप लोग शैल या विल के बाद आप नॉट को यूज कीजिए और नॉट के बाद आप हैव लगा के सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। ये चीज मैंने ओरल बताई थी लेकिन यहां इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं जिससे ये चीज आपको भूलेगी नहीं कि वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। तो यहां लिखेंगे ही विल नॉट, यानी विल के बाद हमने नॉट का यूज किया, नॉट के बाद हैव लगा लिया, विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, क्लियर। ये इस तरीके से भी ट्रांसलेट किया जाता है और इसका एक और तरीका है ट्रांसलेट करने का, वो क्या है वो भी देख लीजिए। यहां पे लिखा हमने ही वॉन्ट हैव
लर्नड इंग्लिश, क्लियर? कि वो यहां पे विल की जगह पे हम लोगों ने वोंट का यूज कर लिया, और वोंट लगाने से, इसका कॉन्ट्रास्ट लगाने से विल नॉट का वो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए, तो ये सेंटेंस लिया कि वह अगले माह तक 5 किताबें नहीं लिख चुकेगा, तो वह यानी ही विल नॉट हैव रिटन 5 बुक्स, 5 बुक्स। अब अगले माह तक है तो बाय नेक्स्ट मंथ, क्लियर? अगले माह तक वो 5 किताबें नहीं लिख चुकेगा, तो यहां पे हो जाएगा ही विल नॉट हैव रिटन 5 बुक बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ हो जाएगा यहां पे, बाय द नेक्स्ट मंथ, क्लियर? तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी इसमें ये वाला सेंटेंस बाकी है, इसका भी निगेटिव का 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें पहले और बाद शब्द आया हो, जिससे ये वाला सेंटेंस भी आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो सेंटेंस लिया कि छुट्टियां खत्म होने से पहले वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा, तो वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा तो ही विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश। अब यहां छुट्टियां खत्म होने के पहले बिफोर द वैकेशन, बिफोर द वैकेशन बिकम्स ओवर, क्लियर? याद देखिए कि जो पहले सेंटेंस में लिखा है उसी को हमने निगेटिव बनाया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो याद देखिए क्या लिखा है कि घर पहुंचने के बाद रवि कहानी नहीं पढ़ चुकेगा, तो याद देखिए कि कहानी नहीं पढ़ चुका नहीं इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है, तो क्या इसी में लगेगा? नहीं, इसमें नहीं लगेगा, बाद शब्द आया है, अर्थात हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले यूज करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले यूज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले यूज करने के लिए घर पहले पहुंचेगा, कहानी बाद में पढ़े या ना पढ़े घर पहले पहुंचेगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि रवि डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट पहले यूज कर रहे हैं तो इसी में हम लोगों को निगेटिव वर्ड यूज करना, तो निगेटिव वर्ड इंडेफिनिट का क्या होता है? डज नॉट होता है। रवि डज नॉट रीड द स्टोरी आफ्टर ही हैड ही will have reached home, क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगी कि पहले और बाद अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप उनको निगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ के पाते हैं हम लोग, तो हम लोग पाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लोग जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक WH टाइप, एक यस नो टाइप। तो जो यस नो टाइप होता है उसमें आप क्या करेंगे, विल पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज कर देंगे, फिर आप हैव का यूज कर लेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे जो कि थर्ड फॉर्म में होगी, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर कई सारे जगह बताया जा चुका है, इसी के साथ इसमें क्यू वर्ड भी यूज कर लेंगे, और क्यू वर्ड के बाद आप सब्जेक्ट भी यूज कर दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दीजिए, हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज करेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग जो नॉर्मल वाला होगा उसे बना लेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है तो जैसा मैंने आपको निगेटिव वाले में बताया है कि जो सेंटेंस पहले आएगा उसी को निगेटिव बनाएंगे, तो यहां भी वही जो सेंटेंस आपको पहले मिल रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिल रहा हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का मिल रहा हो, उसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लगाकर आप उसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में क्लियर कर लेंगे। जैसे आप निगेटिव में देखें कि निगेटिव में अगर फ्यूचर परफेक्ट पहले आ रहा था तो उसको हमने बनाया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आ रहा था तो उसमें भी डज नॉट का यूज करके उसे हमने निगेटिव में बनाया, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि एग्जाम्पल के माध्यम से ये रूल आपको बहुत अच्छे से बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल शुरुआत वाले नॉर्मल सेंटेंसेस के, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेके आगे बढ़ेंगे।
तो पहला सेंटेंस लेके क्या वो मेरी मदद कर चुकेगा, तो वह है यानी कि विल का यूज करना, तो विल पहले लगा लिया हमने, विल ही हैव हेल्प्ड मी, क्या वो मेरी मदद कर चुकेगा, या फिर इसी में आगे बढ़ाते हैं कि वह तुम्हारी मदद कब कर चुकेगा। तो यहां पे कब शब्द आया है, तो कब के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन का यूज आगे कर लेंगे, और फिर मेन सब्जेक्ट है व्हेन, वह, तो वह के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं, व्हेन विल ही हैव हेल्प्ड क्लियर। तो जब जैसा सेंटेंस आपको मिले उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते चलिए। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगला एग्जांपल लेके हम लोग इसे कैसे देख चुके हैं, तो कैसे शब्द आया है अर्थात हाउ, और हम है यानी कि वी का यूज होगा, वी का यूज होगा अर्थात शैल आएगा, हाउ शैल वी हैव, और देखना मतलब इंग्लिश होती है सी, और सी की थर्ड फॉर्म हमें मिल जाती है सी, और फिर इसे, इसे का मतलब दिस या इट, तो हाउ शैल वी हैव सीन दिस, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो अगला एग्जांपल ले, क्या अगले सोमवार तक तुम अपना काम समाप्त कर चुकोगे, तो क्या अगले सोमवार तक मतलब तुम आया है, तुम मतलब यू, और यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं विल, तो यहां लगाया विल यू हैव, के बाद है कार्य समाप्त करना फिनिश्ड, और अपना कार्य है तो योर वर्क विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, और कब तक है अगले सोमवार तक, तो बाय नेक्स्ट मंडे। तो ये हो जाएगा हमारे सामने कि विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर और कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो अगला सेंटेंस हमने लिया एग्जांपल है, क्या मेरे वहां पहुंचने से पहले भोज समाप्त हो चुका रहेगा, देखेंगे भोज समाप्त हो चुका रहेगा अर्थात विल द फीस्ट हैव एंडेड बिफोर आई रीच देयर। यहां देखिए कि यहां पहले सेंटेंस आया भोज समाप्त हो चुका रहेगा, तो विल और है यानी फ्यूचर परफेक्ट को ही हमने इंट्रोगेटिव बनाया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिया, क्या सूर्य अस्त होने से पहले तुम इस कार्य को समाप्त कर चुके रहोगे, तो तुम इस कार्य को समाप्त कर चुके रहोगे अगर पहले आया, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को पहले लिखेंगे, विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर द सन और फिर सेट्स, बिफोर द सन सेट्स। यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस आपका दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। फिर है, क्या परीक्षा शुरू होने से पहले प्रधानाचार्य प्रवेश पत्र की जांच कर चुके रहेंगे, तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या प्रधानाचार्य प्रवेश पत्र की जांच कर चुके रहेंगे, पहले है तो यहां पे लिखेंगे विल द प्रिंसिपल हैव चेक्ड the admit cards before परीक्षा शुरू होने के पहले, तो before the examination starts, clear। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंस आए तो आपको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को जैसा आप सभी जानते हैं, कई सारे टेंसेस में आपने इसको पढ़ रखा है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव करना क्या रहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सीधा सीधा सब इंट्रोगेटिव का ही रूल सारा फॉलो करना रहता है, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वहां पे नॉट का यूज कर देना रहता है। तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, आप सारे इंट्रोगेटिव के रूल जो इसके पहले की स्लाइड में जो कुछ रूल मैंने बताए सारे रूल वही फॉलो करने हैं, बस लास्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको अगर नॉट ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव निगेटिव में बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं कि कैसे होता है ये। तो यहां देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए है, तो इसमें सारे एग्जाम्पल में आप देखिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाया है, बाकी सारे रूल हमने क्या किया इंट्रोगेटिव वाले फॉलो किए। इंट्रोगेटिव वाले रूलों को हमने यूज किया है कि विल यू नॉट हैव, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए। यहां भी वही चीज देखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए, बाकी सारे रूल सब इंट्रोगेटिव के फॉलो हुए हैं। जैसे क्या आप इस कार्य को नहीं कर चुके रहेंगे, तो विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या तुम्हारे आने के पहले वह नहीं खा चुकेगी, तो विल शी नॉट हैव ईटन बिफोर यू कम। यहां देखिए भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज किया, क्या तब तक तुम बीए पास नहीं कर चुके रहोगे, विल यू नॉट हैव डन बीए बाय देन, क्या 2005 के अंत तक तुम्हारा भाई मैट्रिक नहीं पास कर चुकेगा, विल योर ब्रदर नॉट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन बाय द एंड ऑफ 2005। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव के सेंटेंस है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब आपके सामने कहीं भी आ जाए तो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करने वाले। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जितने भी रूल मैंने आपको लिखाए हैं वो सारे रूल उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे और साथ ही साथ आपने उनको अच्छे से समझ भी लिया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी आपसे आपने कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से उनको भी ये चीज का लाभ मिल सकता है। तो शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर से एक बढ़िया वीडियो लेक्चर मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, तो बिना सब्सक्राइब किए जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देयर स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।